हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी से बनने वाला एकदम हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। आप इसको जरूर बनाकर देखिए, बहुत आसान है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ मैंने 8 से 9 ब्रेड ले ली है। ये नॉर्मल वाली जो ब्रेड आती है ना, मिल्क ब्रेड, वही है। आप होल व्हीट वाली भी ले सकते हैं या फिर ये वाली, मैं तो यही वाली ले रही हूँ। तो ये छोटी वाली है, इसमें से बड़ी वाली भी आती है, तो हमें इसके ब्रेड क्रम्स ही बनाने हैं, तो इसलिए आप कोई सी भी ले लीजिए। अब हम इसको एक मिक्सी जार में डाल देते हैं तोड़ तोड़ के, जिससे कि ब्रेड क्रम्स बनने में आसानी हो जाएगी। बहुत इजी है, फटाफट से बन जाता है नाश्ता। अब ये मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। अब यहाँ हम एक बोल ले लेंगे, उसमें जो मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं वो पूरे हम डाल देंगे। अब ये 1 कप भर के सूजी लिए मैंने, और ये इसको मैंने अच्छे से छान लिया था, और इसको भी हमें पीसना है, एकदम बारीक पीसना है, बिल्कुल भी मोटी नहीं रहनी चाहिए ये। और इसमें हम 1 बड़ा कप भर के दही डाल देंगे। ये दही नॉर्मल है और रूम टेम्परेचर पे है, और ज़्यादा खट्टा दही नहीं है ये, तो इसलिए मैंने 1 बड़ा कप लिया है। आप चाहे तो थोड़ा कम ले लीजिए। अब ये ब्रेड क्रम्स में हम सारी सब्जियां वगैरह डाल देते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले जो हमने पेस्ट बना लिया है सूजी का और दही का, वो पूरा डाल देंगे हम। दही से तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका बहुत परफेक्ट बैटर बनाना है। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, नहीं तो उसके जो हम चीले बनाएंगे वो अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए इसको ऐसे अच्छे से फेंट लेते हैं हम। अब हम सब्जियां डाल देते हैं। तो ये 1 बारीक कटा हुआ टमाटर है, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये लाल वाली है, आप चाहें तो हरी वाली डाल लीजिए, मैंने रेड वाली यूज की है। 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई गाजर, इसको भी हम डाल देंगे, 1 बारीक कटा हुआ आलू और थोड़ी सी लाल मिर्च। ये वैसे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो आप, पर मैंने इसका कलर के लिए अच्छी लाल वाली मिर्च डाली है, और थोड़ा सा हरा धनिया। इसमें जितनी ज्यादा सब्जी डालेंगे उतना हेल्दी बनेगा ये। और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं हम स्वाद अनुसार, 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर कम डालेंगे क्योंकि हमने मिर्ची भी डाली है, और इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब्जियों को पहले हम इसमें। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और फटाफट से बन जाता है अगर सब्जियां कटी हुई रखी हो तो हमारे घर में। हम इसमें पानी डाल के इसका एकदम परफेक्ट बैटर बना लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा और डाल देते हैं पानी हम। अभी मिक्स हो चुका है, अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, उससे सूजी जो है फूल जाएगी। मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी सूजी एकदम अच्छे से फूल चुकी है, और इसका बैटर की कंसिस्टेंसी भी बहुत परफेक्ट है। अब हम इसमें इनो डाल देंगे, आप चाहे तो बेकिंग पाउडर डाल दीजिए अगर इनो नहीं है तो। और इनो हमें एकदम आखिरी में डालना है जब हम बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि तभी उसका रिएक्शन करेगा काम। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इस पे, और एक ही सर्कल में घुमाना है हमें इसे, ये देखिए ऐसे। और हम फटाफट से अब इसको बना लेते हैं, उससे ये स्पॉन्जी बनेंगे एकदम, ये देखिए ऐसे। अभी एक पैन ले लिया है मैंने, ये नॉनस्टिक पैन है, इस पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। अब हम इस पर थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इसको अच्छे से फैला लेंगे। मैं ये मीडियम साइज के बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े बना सकते हैं, साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको फैला दिया अच्छे से,
अब हम इसको ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि ये सब्जियां पकने में वक्त लगता है, नहीं तो वो पलटेगा नहीं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसका। थोड़ा सा तेल और लगा देंगे, इससे थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाता है इसमें। ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ये ऐसे भी हो जाता है। और 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं। देखिए हमारा चीला सिक चुका है एकदम बहुत अच्छे से। ऐसे ही हम सारे चीले बना के तैयार कर लेंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके यहाँ मेहमान आ जाए या आपको कुछ नया खाने का मन कर रहा हो तो आप जरूर बनाकर खाइए ये। हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे चीले बना लेते हैं, मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। ये देखिए इसको ऐसे फैला लेते हैं, हम ढक देते हैं इसको भी। ये देखिए कितने परफेक्ट बने, ढक देते हैं इसको। ये देखिए हमारे टेस्टी चीले बनके रेडी हो चुके हैं। तो आप इसको सॉस के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। अचार के साथ भी खा सकते हैं, तो ज़रूर बनाकर देखिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, हैप्पी ईटिंग।